फ्रेंड्स, तो हम सभी को रोल्स खाना बहुत ही पसंद है, तो मैं आज आपके साथ पनीर वेज रोल की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो आप सब भी ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपने अगर ये रेसिपी ट्राई किया तो आपको कैसा लगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें पराठे बना लेने हैं। तो पराठे बनाने के लिए मैंने 3/4 कप जो है मैदा लिया है और 1/4 कप जो है मैंने गेहूं का आटा लिया है। फिर मैंने जो है इसमें थोड़ा सा घी और नमक डालकर आटा गुन लिया है। आटा गुनने के बाद हमें थोड़ा सा घी जो है आटे के ऊपर लगा देना है और आटे को 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देना है। जब तक हमारा आटा रेस्ट कर रहा है तब तक जो है हम स्टफिंग रेडी कर लेंगे। इसके लिए सबसे पहले मैंने जो है कढ़ाई में थोड़ा सा पनीर को काट कर पनीर को मैंने फ्राई कर लिया है। इसके बाद मैंने सेम तेल में जो है थोड़ा सा प्याज, शिमला मिर्च और पत्ता गोभी मैंने डाल दिया है। इसके बाद मैंने नमक, हल्दी, मिर्च और गरम मसाला डालकर भूना है। अब आखिर में मैंने इसमें 1 चम्मच विनेगर और 1 चम्मच सोया सॉस भी डाल दिया है। सभी कुछ को मैंने मिक्स कर लिया है। यहाँ हमारा स्टफिंग बिल्कुल तैयार है। इसके बाद जो है हम पराठे बनाएंगे। तो थोड़ा आटा लिया, बेला और उसे तवे पे डाल दिया। दोनों तरफ से पका लीजिए और घी लगाकर सेक लीजिए। एक बार पराठा रेडी हो जाए उसके बाद इस पे वेज मेयो लगाइए, टमाटो सॉस लगाइए, वेजिटेबल स्टफिंग रखिए, पनीर के पीसेस रखिए, कटा हुआ खीरा, कटा हुआ प्याज और हरी मिर्च डालें। इसके बाद जो है नींबू का रस भी थोड़ा गाड़ दें और इसके बाद रोल कर दें और इसे इंजॉय करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली को खिलाकर। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है, आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Like, share and subscribe. Share with your family and friends. Please support my channel. Thank you. Bye-bye.